अपने बीमार देवते को डॉक्टर पर दवाई दिलाने और बैंक से रुपए निकालने आए पूर्व सैनिक के रुपयों के थैला को बच्चा चोर उठा ले गया। घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। पीड़ित को बैंक प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखाई। सूचना पर पहुंच पुलिस जांच में जुटी है। कस्बा सौक के समीप गांव तालफरा निवासी पूर्व सैनिक गजेंद्र सिंह पुत्र रधीर सिंह शनिवार को अपनी पत्नी राजवती के साथ स्टेट बैंक से 3,10,000 रुपए निकालने आए और अपने बीमार देवते को शांति देवी मार्केट में चिकित्सक पर दवाई दिलाने आए। पीड़ित पूर्व सैनिक पत्नी और देवते को चिकित्सक की दुकान पर बैठा कर स्टेट बैंक से रुपए निकालने चला गया। बैंक से दो खातों से 3,10,000 रुपए निकाले गए, जिसमें 1,40,000 रुपए जेब में रख लिया और शेष 1,70,000 रुपए थैला में रख लिए। इसके बाद रुपये को लेकर चिकित्सक की दुकान पर आ गया और बीमार देवते को चिकित्सक पर दिखाया। कुछ देर बाद मेडिकल से दवाइयां खरीद ही रहा था कि तभी पीछे से घात लगाए बैठे दो बच्चा आए और मेडिकल की दुकान के काउंटर से रुपयों से भरा थैला बच्चा चोर उठा ले गए। घटना से पीड़ित के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुकान पर काफी देर तक रुपयों की थैला की खोजबीन की लेकिन कहीं नहीं मिला। घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने दो बच्चों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पीड़ित गजेंद्र सिंह का कहना है कि बैंक प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरा चालू कर नहीं दिखाए, इसमें प्रशासन की लापरवाही है। चौकी प्रभारी अरविंद सिंह का कहना है कि दोनों बच्चों से पूछताछ की जा रही है और मामले में जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र सिंह। क्या घटना हुई है आपके साथ? घटना ये हुई है कि मैं घर से आया था बच्चियों को दिखाने के लिए। मेरा देवता है, मैं और मेरी मैडम दोनों आए थे यहाँ। बच्चे का डॉक्टर साहब के पास में नंबर लगवाया, फिर मैं बैंक गया हूँ पैसे निकालने थे। बैंक में विड्रॉल फॉर्म से 50,000 रुपये की लिमिट कर रखी थी, तो वापस गया हूँ मैं घर से, चेकबुक लेके आया हूँ, चेक से पैसे निकाले हैं। फिर मैं बच्चे के पास आया हूँ, मेरे बैंक मैंने बैंक से 3,10,000 रुपये निकाले थे। उस बैग में मेरी 3 चेकबुक 3 पासबुक, जिनमें एक भरी हुई क्लोज है और 2 रनिंग है। एक उस बैग में 1,70,000 रुपये हैं, 1,40,000 रुपये मेरी जेब में थे। उस बैग को दो बच्चे उठा के यहाँ मेडिकल स्टोर पर टेबल पर काउंटर पर पैसे दिए हैं, दो बच्चे उठा के ले गए उसको। और उसके बाद में मैंने यहाँ ढूंढा, फिर डॉक्टर साहब से कह के वीडियो कैमरा चलवाया है, कैमरा के अंदर उन दोनों बच्चों की पहचान हो गई है। पुलिस वालों ने उनको अरेस्ट कर लिया है, अभी पुलिस मदद कर रही है, वो देख रहे हैं संदिग्धता से बच्चे पकड़े हैं। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, क्या जवाब होता है, देखो क्या होगा।